एक फील्ड में तजर्बा किया गया, और यहाँ पे जो है एक साइड पे मेरे आपको मरे हुए तिल नज़र आ रहे हैं और दूसरी साइड पे ज़िंदा तिल नज़र आ रहे हैं। इस फील्ड की हिस्ट्री थी कि यहाँ पे रूट एंड कॉलर रॉट का हमला होता था पिछले सीजन्स जो हैं वहाँ पे, और यहाँ पे किसान के कहने पे जो है वो एक साइड पे इस साइड पे मेरे जो है वो ट्राइको शील्ड के साथ बीजों को सीड ट्रीटमेंट की गई, और फिर पहले पानी पे इस ट्राइको शील्ड में मौजूद जो ट्राइकोडर्मा है उसके स्पोर्स को इसमें फ्लड किया गया, और इस साइड पे फील्ड को नेचुरल कंडीशंस में ही रहने दिया गया जिस तरह का था, वैसे ही कोई ट्राइको शील्ड नहीं अप्लाई की गई, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेम रखी गई, पानी खाद बीज सब कुछ एक जैसा है, लेकिन इस साइड पे ट्राइको शील्ड और इस साइड पे ट्राइको शील्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो यहाँ पे बीमारी का हमला हुआ जैसे कि पिछले सालों में इन खेतों में होता था, और पूरा का पूरा खेत जो है आप देख सकते हैं कि वो रूट एंड कॉलर रॉट की वजह से खुश्क हो चुका है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इस साइड पे ट्राइको शील्ड का जहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है सीड ट्रीटमेंट और पानी में उसको पहले पानी पे फ्लड करवाया था, वहाँ पे बिल्कुल जो है वो खेत हरा भरे नज़र आ रहे हैं और एक भी पौधा मरा हुआ नज़र नहीं आता। अब